सर आपका आशीर्वाद है और आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया, उसका उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। मुकाम बनाए और इस पुरुष प्रधान समाज को ये बताए कि तुम ही नहीं, सफलता हम भी लेकर आते हैं, टैलेंट हम में भी है, और जो तुम नहीं दिखाना चाहते वैसा भूमिका मुझे दो तो मैं करके दिखा सकती हूँ। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, महिला दिवस पर ही ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ महिलाओं को बुरा भी लगेगा, तो हमारे दुश्मन मर्द नहीं है, वाह, हमारे दुश्मन खुद औरतें हैं, औरतें खुद एक दूसरे की दुश्मन हैं। आज बहू जलती है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, अगर किसी औरत का घर बिगड़ता है उसके पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। पुरुष उस चीज का फायदा उठाते हैं। सत्य बात यही है, अगर औरत ही औरत की दुश्मन ना बने, उसको सपोर्ट करे, तो किसी मर्द की औकात नहीं कि उस पर अत्याचार कर पाए। तो बात में आता हूँ हिंदी फिल्म के हिसाब से, पति पत्नी और वो, तो पति पत्नी तो सबने देखे, वो हुई थी तो वो सफलता पाएगी, इसमें से वो बनना चाहोगी आप? मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगी, और मुझे ऐसी औरतों से बहुत ही नफरत है जो किसी का घर खराब करती है। क्या बात है, इस बात के ऊपर तो ताली बनती है। वैम्प का रोल करने वाली अपनी जिंदगी के अंदर चाहती है कि मैं सती सावित्री पत्नी भक्त पति बनूं, यही बात है ना? सर आपने खुद ने मुझे बोला कि विलन के रोल करती हो लेकिन हो बहुत अच्छी, तो आपने मुझे पहचाना। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हमारे सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप वाले जो लोग होते हैं वही हमें पहचान पाते हैं, अपने नहीं पहचान पाते, ऐसा भी औरतों के साथ होता है। नहीं नहीं, मेरे साथ तो तुम्हारा बहुत एक विचित्र सा वो है कि मैंने जो फिल्म की थी उसके अंदर तुम्हारे एक सर्वेंट का रोल था, बट अल्टीमेटली हाँ सर आपकी जो फिल्म थी उसमें आपने मुझे नौकरानी से महारानी बनाया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये भी एक मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था कि मैंने उस अपने सेट की सेवा की और उसने बाद में मुझे अपनाया, मतलब सेवा का फल तो जरूर मिलता है। यही बात है, मास को लो थोड़ो और जो भी कुछ फिल्म में बोला गया, बट अल्टीमेटली सत्य की विजय ये होती है कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो आपको सोसाइटी अपनाती है। राइट, इस संदेश को पोर्ट्रे करने के लिए आपके जो एफर्ट्स होते हैं, बट क्या वो सोसाइटी उस चीज को अपनाती? उस फिल्म की सक्सेस भी आपने देखी है, क्योंकि वो फिल्म राज मंदिर में लगी थी। हाँ, राज मंदिर जयपुर का बहुत फेमस सिनेमा घर है, और आपको सच इसके पीछे कहानी बताती हूँ कि जब मैं जयपुर आई फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आई थी, तो मेरा एक सपना था जो मैंने अपने पापा से शेयर किया था कि पापा मुझे है ना प्लीज़ है ना एक बार राज मंदिर जरूर दिखा देना, है ना। मेरे जयपुर में कदम रखने पर मेरा सपना था कि मुझे राज मंदिर देखना है, लेकिन मुझे नहीं पता था उस टाइम कि राज मंदिर में मैं खुद अपने आप को देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं राज मंदिर में खुद को देख रही हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। राज मंदिर ने कईयों के सपने पूरा किए, उनमें मेरे भी है, वो एक अलग बात है। अच्छा, हमारी फिल्में भी राज मंदिर में लगेंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री अगर अच्छी फिल्म बनाती है तो उसको दर्शक मिलता है, उसको सिनेमा हॉल मिलते हैं, सरकार अनुदान दे या ना दे, लेकिन फिल्में तो राजस्थानी बन रही हैं। तो क्या राजस्थान में तुम राजस्थानी फिल्म ही करना चाहती हो, या इस धरती पे अगर कोई हिंदी फिल्म बनाएगा तो उसका भी साथ दोगी? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ, चाहे हिंदी हो, साउथ हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, सब में करना चाहूँगी। राजस्थानी लैंग्वेज से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी राजस्थानी फिल्मों से भी बहुत प्यार करती हूँ, और देखा जाए तो हमारी जो लैंग्वेज है वो हर स्टेट में पसंद की जाती है। जो राजस्थान की लैंग्वेज है वो इतने सीरियल्स आते हैं, जैसे बालिका वधू आती है और भी कई सीरियल्स आ रहे हैं, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा राजस्थानी उसको पसंद कर रहा है, उसे पूरा इंडिया पसंद कर रहा है, इवन हो सकता है कि फॉरेन में भी उसे पसंद किया जा रहा हो। नीलू विक्रम भाभो, हाँ, जो हमारी नीलू जी है, जो हमारी राजस्थान की हीरोइन है, वो उस सीरियल में दिया और भाती, तो उनको पसंद किया गया, तो हमारे राजस्थानी पहनावे को, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज को पूरी दुनिया पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी राजस्थानी इंडस्ट्री या हमारी लैंग्वेज को पसंद नहीं किया जाता, बस गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, मैं सामने बोल रही हूँ ये बात।
गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लेकिन उसी स्टैंडर्ड की फिल्म बननी चाहिए ना, मेरी सोच थोड़ा सा हाँ, हर चीज पे काम होना चाहिए। डायरेक्टर आप कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर बन जाते हैं, है ना, प्रोड्यूसर का बेटा हीरो बन जाता है या प्रोड्यूसर की बीवी हीरोइन बन जाती है या प्रोड्यूसर की बेटी हीरोइन बन जाती है, मतलब वो लोग भाई भतीजावाद जिसको अपन नेपोटिज्म बोलेंगे वो हर जगह देखने को मिलेगा, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिलेगा, वो रीजनल इंडस्ट्री में मिलेगा, वो हर जगह मिलेगा, लेकिन ये गलत है आपको। और डायरेक्टर्स भी अच्छे जो एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं उनको आप काम दो, उनका इवन उनसे काम भी करा लिया जाता और उनका नाम भी नहीं दिया जाता। और सर आपके साथ तो ऐसा हुआ ही है तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी जी, हमारा बहुत नाम है, उसको आगे बढ़ाने का इतनी चाहते हैं कि हमें जाने, हमें दुनिया जानती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या वो डायरेक्टर्स तुम्हारे से प्रॉपर काम ले पाते हैं, उस सब्जेक्ट के साथ में न्याय कर पाते हैं, और क्या वो जो एक इनर थॉट लेके तुम 40 फिल्में कर चुकी हो उन डायरेक्टर्स से आपने सही काम लिया आपसे? कुछ एक डायरेक्टर्स ने सही काम लिया और कुछ ने सिर्फ टाइम पास किया, फिल्म बना दी अपने शौक पूरे करने के लिए या अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए या खुद को डायरेक्टर बनाने के लिए, इस तरह से अपने पैसों का यूज़ करके उस पैसे को कई लोगों ने बेकार किया है, फिल्म भी अच्छी नहीं बनी है, मज़ा भी नहीं आया। और सामने तो कुछ कह नहीं सकते, मन में तो होता है यार कैसी फिल्म में काम कर लिया, ऐसा होता है, लेकिन बेचारा आर्टिस्ट उसका क्या कहना। नहीं, आर्टिस्ट को तो काम मिलता ही है, वो तो अपना स्कोर करने के लिए निकल ही जाता है। लेकिन मैं एक महिला दिवस के ऊपर महिला से ये कहलवाना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है, कोई भले घर की लड़की इस लाइन में नहीं आना चाहती, जबकि बॉम्बे में सब आना चाहते, तो क्या अब राजस्थान में वो माहौल बन गया है कि लड़की इज्जत के साथ में सेट पर आकर काम कर सकती है, अपने सपने पूर्ण कर सकती है? आपको सर महिला दिवस पर मैं हर चीज़ सच बोलूँगी, इंडस्ट्री बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैंने और भी फील्ड देखे हैं, क्लियर बोलती हूँ, मैं क्लियर बोल सकती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी फील्ड देखे हैं, चाहे जॉब हो चाहे कोई भी हो, वहाँ सबसे ज़्यादा गलत होता है। हमारी इंडस्ट्री में हम क्या, आपको तो पता है मैं अकेली और कितने लोग 5-6 कलाकार थे, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैमरामैन, उनको सीन करना था मेरा, मैं उनके साथ थी, मतलब पूरी रात उनके साथ गाड़ी में जाना वहाँ पे शुरू, किसी बंदे ने मुझे चू तक नहीं बोला, मतलब मैंने इतना, मैं उन लोगों के साथ अपने आप को इतना सेफ फील करती हूँ, मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। ऐसा अगर आप बाहर किसी के साथ चले जाएंगे तो शायद ज़रूर गलत हो जाएगा, मेरे को अपनी इंडस्ट्री में कोई भी इंसान गलत नहीं लगता। हाँ, गलत तब हो सकता है जब आप खुद गलत हो, जब आप खुद गलत हो, आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं और इंडस्ट्री वालों की गलती नहीं। थैंक गॉड कम से कम ये माहौल मेरे राजस्थान में बन रहा है, मेरी जयपुर की इंडस्ट्री में बन रहा है, अच्छी बात है। आपने महिला दिवस पे सच बोला। मैं तो सच बोलती हूँ सर, आपको मेरा नेचर पता है, मैं सच बोलती हूँ। पता है सर, कई लड़कियों के मैंने देखा है, जो कई लड़कियाँ ये सोच के आती है कि इंडस्ट्री में आसान है, सक्सेस हो जाएंगे, किसी डायरेक्टर को हम सेट कर लेंगे या हम कुछ ऐसा कर लेंगे तो फटाफट शॉर्टकट से हम सक्सेस हो जाएंगे, वो ऐसा सोच के आती हैं, ऐसा वो प्लान करके आती है दिमाग में, तो वो गलत लोगों के चक्कर में फंस जाती है जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फालतू बातें करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, और इवन कई लड़कों जो लड़के लड़कियाँ हैं उनसे पैसे तक ले लेते हैं। मुंबई में ऐसे लोग हैं जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हें हीरो बना देंगे या तुम्हें हीरोइन बना देंगे, वो कुछ नहीं होते, सिर्फ ऑफिस खोल के बैठते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। लड़कियों के साथ भी गलत हो जाता है, लड़कों से 5-5 लाख रुपये ले लेते हैं और लड़कियाँ भी उनको पैसे भी दे देती है और पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो जाता है। बाहर जाके वो बच्चे बोलते हैं इंडस्ट्री तो खराब है, आप सही जगह पहुंचोगे, सही प्रोडक्शन हाउस में पहुंचोगे जहां पे काम होता है, जहां पर रियल में काम होता है, और आप में टैलेंट है तो वो आपको बुलाएंगे, आप में टैलेंट नहीं है तो वो आपको क्यों बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग सिखाने का तो इंस्टीट्यूट खोल नहीं रखा, वो सिर्फ एक्टर चाहते हैं कि वो उनका काम निकाल दें।
तो आप ऑडिशन दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं, और आप सोच रहे हो कि और ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, ऐसे करने से हम सक्सेस हो जाएंगे, तो यार इसमें गलती इंडस्ट्री की नहीं आपकी है, या मैं ऐसा करूँगी तो मेरी गलती है। आप सही जगह जाओ, सही लोगों से मिलो, सही ऑडिशन दो, आप जरूर सक्सेस होंगे अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। विजय लक्ष्मी, मैं उल्टी बातों पे नहीं जाता, ना मैं उनका प्रचार करना चाहूंगा कि ऐसे कौन लोग हैं। मेरे को सीधा सीधा एक चीज बताओ, सही रास्तों से चल के ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसने बहुत नाम कमाया? कोई एक नाम बताओ, मेल हो, फीमेल हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो। सर कई आर्टिस्ट हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब थे, जैसे कि अब इरफान खान जो हमारे जयपुर से हैं, वो ना उनके पास लुक्स हैं, मतलब इतने हैंडसम भी नहीं थे वो, और ना वो बिल्कुल गरीब घर से हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हाँ बहुत ही गरीब घर से हैं वो, लेकिन उन्होंने सक्सेस हासिल की, उनके पास पैसा भी नहीं था। क्या था उनके पास? सिर्फ और सिर्फ टैलेंट। ये मेरा मैन, वो मैन, लड़की कौन? लड़की भी बहुत सारी है सर, जो एक तो बताओ, जैसे कि तो विजय लक्ष्मी ये जो एग्जांपल दिया तूने इरफान का, जयपुर के थे, उससे पहले पिंचू कपूर भी थे, यहाँ से तो बहुत टैलेंट बॉम्बे में गया है, स्टेज पे ने बहुत समृद्धियाँ वहाँ पे दी हैं, उन्होंने फिल्मों में नाम कमाया, लेकिन इस इंडस्ट्री में लड़कियाँ भी बहुत आती हैं, जैसे यहाँ से मीनाक्षी ठाकुर गई थी, उसने फिल्में भी की हैं और एज कास्टिंग डायरेक्टर तो उसने एक मुकाम बनाया। आज के दौर की कोई ऐसी हीरोइन है जो नाम कमा रही हो? सर क्यों नहीं है, मेरी खुद की फ्रेंड है, हमने साथ में भी काम किया है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, और आज उसका एक शो चल रहा है इस पे GTV पे। तो इस मेन इंडस्ट्री के अंदर जो आपने एग्जांपल दिया और इरफान का दिया, इरफान से पहले पिंचू कपूर भी थे, बहुत से मतलब यहाँ से एक्ट्रेस गए हैं, लेडीज भी गई हैं, जैसे मीनाक्षी ठाकुर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने नाम कमाया, कास्टिंग डायरेक्टर में उन्होंने बहुत नाम कमाया, मुंबई इंडस्ट्री में काम किया, मैन ओरिएंटेड इंडस्ट्री में काम किया, दिनेश ठाकुर की मिसेज थी, बहुत स्टेज करती थी। इसी तरह से कोई ऐसा नाम जो राजस्थान से उठ के गया और मुंबई में नाम कमाया और जयपुर में भी नाम कमाया, राजस्थानी फिल्म भी की हो, हिंदी फिल्म भी की हो? क्यों नहीं सर, है ना, जो मेरी एक फ्रेंड है, रूही चतुर्वेदी नाम है उसका। सर वो इतनी टैलेंटेड है, और आज पता है सर वो इतना नाम कमा रही है ना, उनका एक शो चल रहा है कुंडली भाग्य, जिसमें उनको इतना पसंद किया जा रहा है, मेरी मम्मी खुद बोलती है, जिसकी मैं खुद बेटी हीरोइन हूँ, कि अरे यार मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, उससे कम मिलवा रही हूँ मैं, रोज़ सीरियल देखती हूँ, तो सोचो कि मेरी मम्मी जिसकी बेटी हीरोइन है उस वही इतनी फेन हो रही है, तो सोचो उन्होंने कितना नाम कमाया है, और रूही बहुत आगे बढ़ी है, और मुझे लगता है कि वो और भी आगे जाने वाली है। बाप का सीना चौड़ा हो गया। वैम्प को वैम्प पसंद आई, उसमें वो वैम्प का रोल प्ले कर रही है। हाँ, उसमें वैम्प का कुंडली भाग्य, हाँ। GTV पर। सच में उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं मेरे घर पे सब बोलते ना, अरे मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ काम करती है, तो मेरे घर वाले बोलते कब मिलवा रही है, मैंने कहा हाँ जरूर मिलवाएंगे। अच्छों का भविष्य अच्छा होता है, ये चीज प्रमाणित करती है। नेगेटिव रोल करो या पॉजिटिव रोल करो, पॉजिटिव रोल अगर कोई दिया जाए आपको तो किस टाइप का रोल करना पसंद करोगे, वेस्टर्न या ट्रेडिशनल? सर मैं ट्रेडिशनली पसंद करूँगी, क्योंकि क्या है मुझे साड़ी पहनना और साड़ी पहन के संस्कारी दिखाना अपने आप को, लेकिन संस्कारी में भी ऐसा नहीं है कि मुझ पर अत्याचार हो, कि मैं अत्याचार सहती रहूँ। मैं ये महिला दिवस है इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ना बिल्कुल अत्याचार सहने वाली औरतों को पसंद नहीं करती हूँ। कैरेक्टर तो चलो ठीक है, हम एक्टर हैं तो करना पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझ पे अत्याचार किए जाए, चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो। और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरी औरत अत्याचार सह रही है और फिर भी बोल रही है, फिर भी वो दूसरी औरत की बुराई कर रही है, तो मुझे ऐसी लेडीज भी पसंद नहीं है। मुझे वो लेडीज पसंद है जो सेल्फ डिपेंड हो और हर गलत चीज का विरोध करे। अब ये बोल के तुमने TV कर लिया, तुमने गाने कर लिए, तुमने रीजनल फिल्म कर ली, तुमने हिंदी फिल्म कर ली, तो आजकल तो जमाना वेब सीरीज का है, वहाँ तो गंदे डायलॉग, गंदी ड्रेसे, तो मतलब लगता है वेब सीरीज का तो कोई चांस ही नहीं होगा। फिर बताना चाहती हूँ कि मैं इस टाइप के कैरेक्टर्स करना पसंद नहीं करती, मैं कंफर्ट नहीं हूँ इस चीज़ के साथ कि मैं कोई बोल्ड सीन करूँ या गाली गलोच वाला कोई कैरेक्टर करूँ,
सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां जो कर रही है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खराब नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी किस अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं या वो किस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद करते हैं। मैं किसी लेडीज की बुराई कर ही नहीं सकती, काम कर रही है तो मुझे उन लेडीज से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जो काम करती है, ओके, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। वेरी गुड, इसी नोट के ऊपर आकर हम आज की मुलाकात को पूर्ण करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने महसूस की पूरी वार्ता के अंदर कि माँ की विजय लक्ष्मी सच में झांसी की रानी की तरह से अपने विचार प्रकट करती है, महिलाओं को संदेश देती है। और अगर समकालीन अभिनेत्रियां या आपके साथ के को आर्टिस्ट इन चीजों की कदर करते हैं, आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो निसंदेह नारी का भविष्य फिल्मों में भी सुरक्षित है और समाज में भी सुरक्षित है। बहुत बहुत बधाई विजय, इसी तरह से विजय हासिल करती रहो और लक्ष्मी तो आ ही रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।